एनडीए का शपथ ग्रहण से पहले शपथ ग्रहण हो गया। कंगना रनौत को जोरदार छप्पड़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने जड़ दिया। महिला जवान, पुरुष नहीं, महिला ने महिला को थप्पड़ मार दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बोल रही थी। ऐसे ऐसे बयान देती क्यों है कंगना रनौत? आप अभी सांसद बनी है, आप नहीं नहीं अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुई, 2-4 दिन हुए हैं आपको, मंडी से, हिमाचल की मंडी से सांसद बने हुए हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस आपको अपने बॉलीवुड करियर में कभी नहीं मिला होगा जैसा आपको पॉलिटिक्स में आते ही 2-4 दिन के अंदर मिला होगा। आई फील सैड अबाउट इट, बट आपको अपने बयान पर थोड़ा तो केयर करना चाहिए। खालिस्तानी बोला आपने हमारे अन्नदाताओं को, फिर कहा कि किसान आंदोलन में जो औरतें बैठी हैं वो 100-100 रुपए लेकर बैठी थी। वही सीआईएसएफ जवान ने कहा कि वो 100-100 रुपए लेकर नहीं बैठी थी, उसमें मेरी माँ भी थी। माँ बाप पे जब आँच आती है तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, यही प्रूफ किया है उस सीआईएसएफ जवान ने। उसको अपने माँ बाप पर उठाई गई उंगली याद थी। पंजाब में ऑलरेडी भाजपा को 0 मिला है, कांग्रेस को बहुमत मिला है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने आज तक अन्नदाताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो भाजपा ने पिछले कुछ सालों के अंदर करके दिखाया है। कीले बिछाई, लाठी डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले बरसाए। एक बार किसान आंदोलन हुआ, उसमें 750 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद मोदी जी ने ये बोला कि आप किसान आंदोलन बंद कर दीजिए, हम आपके 3 काले कानून वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिए। 2 साल बाद मजबूरन किसानों को अपना घर बार छोड़ के फिर से आंदोलन करना पड़ा। फिर से आंसू गैस के गोले बरसाए गए हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर, फिर से कीलें बिछाई गई, गड्ढे किए गए ताकि किसान दिल्ली में घुस ना पाए। ये सारी बातें उन सारे अन्नदाताओं के घर परिवार बच्चों को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो अचानक से कंगना रनौत को साक्षात अपने सामने देखकर वो सीआईएसएफ जवान अपने आप को रोक नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि उस महिला सीआईएसएफ जवान को कंगना रनौत से माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उसने जो किया वो सही किया, अन्नदाताओं का बदला लिया। ये सवाल बहुत बड़ा है, पेचीदा है, और सवाल तो बनता है क्योंकि कंगना रनौत ने अपने ऐसे कई बयान दिए हैं जिससे इस देश की जनता को शर्मसार किया है। पहले कहा कि 2014 के बाद इस देश को आज़ादी मिली है, फिर कहा हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी, फिर वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं, कोई भी खुद से आके नहीं बैठा है। 100-100 रुपए में हमारे देश की महिला किसानों को आपने तौल दिया, जो आप 2 वक्त की रोटी खा पाती हैं, 2 वक्त की खाती हैं कि 8 वक्त की खाती हैं, आई डोंट नो। आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो आपका क्या रूटीन है, बट खाना तो ज़रूर खाती होंगी आप। वो खाना जो आप तक पहुंचता है वो अन्नदाताओं की ही देन है। उन अन्नदाताओं का सम्मान न करके इतनी बड़ी बेइज्जती की है आपने, उस बेइज्जती का बदला आज आपको मिला है। और आप दूसरे की बेइज्जती करती हैं, आज आपकी बेइज्जती हुई है जो पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई है। हर न्यूज़ चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मारा गया सीआईएसएफ जवान की तरफ से थप्पड़। तो ये थप्पड़ आपको आजीवन याद तो रहेगा, लेकिन इतिहास में भी दर्ज हो गया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आपको किसानों को खालिस्तानी बोलने पर और महिला किसानों को 100-100 रुपए में आकर बैठी हैं ये बोलने पर थप्पड़ जड़ा गया था एक सीआईएसएफ जवान के द्वारा। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी लोग देख रहे होंगे आपके, ऐसा नहीं है ये नहीं देख रहे होंगे,
उनको भी लग रहा होगा कंगना रनौत ने ये क्या कर दिया, क्योंकि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हरकत, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, इसके पहले रिंकिया के पापा को भी थप्पड़ जड़ दिया गया था, और अब आप स्मृति ईरानी जी तो हार ही गई हैं, स्मृति ईरानी जी को टाटा बाय बाय बोल चुकी है अमेठी की जनता, मंडी की जनता ने आपको जिताया है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को सैल्यूट है, लेकिन आप का आज का ये थप्पड़ चर्चा की विषय तो बन गया है, बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं आपके, जिस तरह के इससे ज़ोरदार थप्पड़ लगा था, वो जो चेहरे पे आपके निशान रह गए उसके हाथों के, आपका मेकअप हट गया, वो भी लोगों ने देखा। तो अगली बार कोई भी टिप्पणी करने से पहले हमारे अन्नदाताओं के लिए, हमारे देश के लिए 10 बार ज़रूर सोच लीजिएगा। आपको मेरी ये राय गिफ्ट में मैं दे रही हूँ, फ्री में। थैंक यू सो मच।